इतनी दयनीय हो गई कि मैं इसे तड़ लगा नहीं पाऊंगी। ट्रांसपोर्ट करना तो दूर की बात है, मैं इसकी इलाज भी नहीं करवा पाती, खाने पीने की चीज भी ठीक से मुहैया नहीं हो पाती है मेरे लिए। मैं अपील करती हूँ, मेरे पता सब जो भी सुनेंगे जरूर करेंगे। मेरा नाम अर्चना है और मैं तेतरी नगुच्छे भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरे भैया हैं जिनका 7-8 साल से तबीयत ख़राब है। इससे पहले बॉडी में कुछ सूजन हुआ था, तो घर में सभी को संदेह हुआ कि किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले दादाजी का भी डेथ हुआ था, उससे पहले उनको किडनी प्रॉब्लम ही हुई थी सूजन की वजह से। और फिर तब से इनका इलाज कंटिन्यू चल ही रहा है। और फिर अभी 1 साल पहले वेल्लोर में दिखाया गया तो बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन इनका ख़राब बताया गया, तो फिस्टुला लगाया गया और तब से डायलिसिस पे हैं ये। और बॉडी धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होता जा रहा है बार बार डायलिसिस होने की वजह से। और अब ब्लड चढ़ाने की नौबत भी आ गई है और नाक से ब्लड क्लॉट भी निकल रहा है हाल ही में। और खाना पीना लगातार कम होता जा रहा है और खाने पर वॉमिट होता जा रहा है कंटिन्यू, कुछ खा नहीं पाते हैं सही से, हमेशा चक्कर आते रहता है, वॉमिटिंग टाइप का फील होता है। तो आप जो भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से बस ये गुजारिश है हमारी कि आपसे जो भी मतलब मदद हो पाए, जितना भी आप वो करने की कोशिश बिल्कुल करें, ताकि मैं अपने भैया का इलाज हमारे परिवार वाले अच्छे से करा सके और उनका ट्रांसप्लांट सही से हो सके। डॉक्टर से पूछा गया तो ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम 25 लाख बताया गया, क्योंकि इनका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, घर में किसी का वो मैच नहीं कर रहा है उनसे, तो किसी और का ही लेना पड़ेगा इनके लिए किडनी, तो उसमें ज़्यादा खर्च चाहिए, तो इसलिए कम से कम 25 लाख का खर्च बताया गया। तो आप लोगों से ये अपील है हमारी कि जितना जल्दी हो सके इसमें हमारी जरूर मदद करें। किडनी फेल होने के बाद 1.5 साल से डायलिसिस पर है तेतरी का होनहार छात्र। अब परिजनों के पास नहीं है पैसे, कर रहे हैं मौत का इंतजार। परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। अपने पुत्र की हालत को देखकर एक बेबस माँ के पास सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं है। पिता हिम्मत हार चुके हैं, खामोश रहते हैं, मायूस रहते हैं। अब तो बस पुत्र की मौत का इंतजार है। घर में कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें लगता है कि कोई फरिश्ता आएगा और अमर भैया को ठीक कर देगा, लेकिन काल्पनिक बातें यथार्थ की कसौटी पर टिक नहीं पाती। ये कहानी है नवगछिया के तेतरी गांव निवासी जितेंद्र चौरसिया उर्फ गन्नी चौरसिया और रजनी देवी के पुत्र 24 वर्षीय अमर कुमार चौरसिया की। अमर की दोनों किडनी फेल हैं, करीब 1.5 साल से वो डायलिसिस पर है। गन्नी चौरसिया तेतरी गांव में ही एक पान की दुकान चलाते हैं। अमर करीब 8 वर्ष से बीमार है। 8 वर्ष पहले अमर पहली बार कठिनाई में था। परिजनों ने पहले कटिहार, पूर्णिया, पटना, सफदरगंज, दिल्ली में इलाज करवाया, लेकिन अमर की स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। करीब 1.5 साल पहले अमर को भी लौर ले जाया गया तो चिकित्सकों ने बताया कि अमर की दोनों किडनी फेल हैं और किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। तब से अमर डायलिसिस पर है। बार बार डायलिसिस करवाने के कारण अमर निरंतर कमजोर होता जा रहा है। अमर का ब्लड ग्रुप परिवार में किसी से मेल नहीं खाता, इसलिए परिवार का कोई सदस्य अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों ने बाहर से किडनी खरीद कर ट्रांसप्लांट का खर्च कुल 25 लाख रुपए बताया है। अमर के पिता गन्नी चौरसिया कहते हैं कि 8 साल से अमर बीमार है और करीब 3.5 साल पहले उसकी बड़ी पुत्री कैंसर की मौत मरी थी। ऐसी स्थिति में उसकी जिंदगी भर की कमाई इलाज में चली गई और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। 2 वक्त के खाने से भी ज्यादा चिंता अपने पुत्र की दवाइयों का जुगाड़ करने की होती है। ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई करने के बावजूद अमर काफी होनहार है। स्कूली दिनों में अमर की गिनती अपने क्लास के चंद अच्छे पढ़ाकू बच्चों में होती थी, लिहाजा अमर ने मैट्रिक, आईएससी और बीएससी फिजिक्स ऑनर्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। लगातार बीमार रहने के बावजूद उसने आईटीआई की पढ़ाई की, लेकिन आप हमारे धीरे धीरे चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगा है। अमर की छोटी बहन अर्चना कहती है कि भैया की पढ़ाई को देखकर स्कूल के शिक्षक और घर के सभी लोग कहते थे कि अमर
उन लोगों का नाम रोशन करेगा। अर्चना अमर की हालत को देखकर रोते हुए कहती है कि वो भैया को इस स्थिति में छोड़ नहीं सकती, वो हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है। आप बचा सकते हैं अमर की जान। जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं। परिजनों और आसपास के लोगों को लगता है कि अगर अमर की किडनी का ट्रांसप्लांट करवा दिया जाए तो उसे नई जिंदगी मिल सकती है, इसलिए अमर के परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। इस बाबत परिजनों ने अपना बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है। खाता नंबर 3043001005745 है और IFSC कोड PUNP03043000 है। अमर के परिजनों के मोबाइल नंबर 7903153658 और 8051011485 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम रजनी देवी है जी। ये मेरा लड़का है 24 साल का। उसे 7-8 साल पहले हल्का शरीर में सूजन हुआ था, तो मुझे संदेह हुआ तो मैंने दिखाई लोकल में, उसके बाद कटिहार दिखाई तो किडनी की प्रॉब्लम ही बताया। उसके बाद मैंने पटना दिखाए, पटना से मैंने सफदरजंग दिल्ली दिखाए और दिल्ली में मुझे कन्फर्म हो गई। उसके बाद पटना भेलोर दिखाए CMC में, उससे मुझे उसमें मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका ट्रांसपोर्ट होना ही ज़रूरी है, मतलब दूसरा लगना है। हाँ, दूसरा लगाना। और मेरा स्थिति ऐसा नहीं है कि मैं उसे लगा पाऊँ। और मेरा 4 साल पहले मेरी एक लड़की डेथ हो गई है कैंसर के दौरान। वैसे सभी मेरा नगद जितना भी घर सब जमा पूंजी तो मेरा उसमें ही चला गया और मेरी इतनी स्थिति दयनीय हो गई कि मुझे लगा नहीं पाऊँगी। ट्रांसपोर्ट करना तो दूर की बात है, मैं इसके इलाज भी नहीं करवा पाती, खाने पीने की चीज भी ठीक से मुहैया नहीं हो पाती है मेरे लिए। मैं अपील करती हूँ, मेरे पता सब जो भी सुनेंगे जरूर करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौरसिया है, घर तेतरी नगछिया, जिला भागलपुर का निवासी हूँ। मेरे बच्चे का तबीयत करीब 7 साल पहले से इलाज दिल्ली पटना कटिहार हर जगह दिखाए, हर जगह एक ही चीज़ बताया गया, इसका किडनी का प्रॉब्लम है। पैसा के अभाव के कारण एक छोटा सा पान का दुकान करता हूँ तेतरी दुर्गा मंदिर में, उसी से मैं हर बच्चे को शिक्षा दिया। शुरू से मेरा हर बच्चा मेरा कहा माना और शिक्षा में हर बच्चा मेरा अव्वल रहा और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुशी रहता था कि मेरा बच्चा कम से कम पान बेच के मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मेरा बच्चा कुछ आगे बढ़ जाएगा। मेरा बच्चा रेलवे में भी कम्पीट हुआ लेकिन मेडिकल में छटा गया। फिर उसके बाद मैं इलाज जारी रखा कि किसी तरह मैं बच्चे को जान लगा दिया। पान के दुकान पर बैठते बैठते मेरा शरीर टूट गया लेकिन फिर भी मैं परिवार के लिए बहुत कष्ट किया, लेकिन अब संभव नहीं है कि मैं बच्चे का इलाज लंबा चौड़ा कर सकूं। किसी तरह डायलिसिस पे रख रहा हूं। कितना खर्च है लगभग इलाज में? इलाज में लगभग सर कम से कम 25 लाख से ऊपर जाएगा। सर अपील करता हूं कि मुझे हर संभव मदद किया जाए ताकि मैं अपने बच्चे का भविष्य आगे बढ़ा सकूं। और मैं अमर चौरसिया की छोटी बहन हूँ और जब से मैं बड़ी हूँ इन्हीं के साथ में पढ़ी हूँ, इन्हीं के क्लास में साथ में पढ़ती रही हूँ, लेकिन इनकी तबीयत की वजह से इनकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी और उसके बाद से पापा मम्मी बस इन्हीं के इलाज में लगे हुए हैं। बीच में मेरी बहन का भी तबीयत खराब हुआ और उसका भी डेथ हुआ तो सारा उसी में पैसा खर्च हो गया। और फिर अभी घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है कि इतना है कि मतलब इनका इलाज नहीं हो पा रहा है सही से और पूरा शरीर भी जवाब दे रहा है, बार बार ब्लड चलाना पड़ रहा है और डायलिसिस हो रहा है थोड़ा बहुत।
और फिर क्लीन ट्रांसप्लांट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। तो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा अपील करूँगी कि आप जितना हो सके आप इनका मदद करें और इनका क्लीन ट्रांसप्लांट सही से हो जाए।